वैसे ये क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 10 इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं, छोटे में ही देखिए लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ हो जाएगा। 10 इनवर्स रूट एक्स को हमने यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुना किया, 1/2 10 इनवर्स ऑफ रूट एक्स, 1/2 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारे पास ये है। इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर यदि हम फार्मूला लगाएं तो ये 1/2 10 इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हुआ। अब इस 10 इनवर्स का हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो 10 इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे। तो 10 इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर यदि थीटा मान लें तो 10 थीटा बराबर ये होगा। तो 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ये रखा तो इसका कर्ण निकाल लिया। देखिए पाइथागोरस से इसका कर्ण निकला तो ये 1 प्लस एक्स आया। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण माने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए आ गया तो कॉस थीटा बराबर इतना आ गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास देखिए 10 हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/2 10 इनवर्स, इसका मतलब देखिए यहाँ 10 इनवर्स 1/2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को हम ये कॉस के रूप में लिख सकते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसका मान रख दीजिए और ये आपका RHS आ गया। तो इस प्रकार विद्यार्थी इस